हेलो व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं एक और शरबत के बारे में। शरबत तमरहिंदी, या कहिए कि इमली का शरबत। नाम से ये बहुत ही साधारण और कॉमन सा शरबत लगता है, लेकिन इसका काम बहुत इम्पोर्टेंट है। इमली एक बहुत बड़े दरख्त का फल है, फली कहिए, फली की शक्ल में लगता है। जब ये फली कच्ची होती है तो हरी होती है और बहुत खट्टी होती है। जब पक जाती है तो ये ब्राउन या डार्क ब्राउन हो जाती है और इसमें चाशनी और शीरनी यानी मीठापन शामिल हो जाता है और तब ये खट मिट्टी हो जाती है। बहुत लोगों का ये बड़ा पसंदीदा फल है, फली है, खासतौर से बच्चों की। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं इसको और बहुत सारे घरों में ये सब्जियों में डाला जाता है, खानों में कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये तब इस्तेमाल किया जाता है जायके के लिए, शौक के लिए। मगर हम बात कर रहे हैं दवा के तौर पर। इमली चूंकि सफरा को ख़त्म करती है, बहुत ही सीधे से लफ्जों में अगर हम बात करें तो जब मैदे और आंतों में सफरा बढ़ जाए और उसकी वजह से मैदे और आंतों का फैल कमज़ोर हो जाए, यानी उनमें भूख नहीं लगे, कब्ज़ हो जाए या जी मालिश करने लगे, नौशिया वोमिटिंग होने लगे, गर्मी के दिनों में गर्मी की वजह से, सफरा की वजह से, या पहले से मैदा और आंतें कमज़ोर हों और फिर सफरा पैदा होकर यह हालत करे, बहरहाल दोनों हालतों में शरबत तमरिंदी 30 ml ठंडे पानी के साथ सुबह शाम पिलाना इस कंडीशन को दूर करता है, यानी कि आंतों की और स्टोमक की जो कुव्वत दाफिया है उसको नॉर्मल करता है और सफरा को दफा कर देता है। इस तरह से भूख लगने लगती है और कब्ज दूर हो जाता है। इमली अकेली वो खट्टी चीज़ है जो कब्ज को दूर करती है, काबिज नहीं है, वरना तमाम खट्टी चीज़ें काबिज होती हैं। और इमली अपनी लताफत में, या कहिए कि डेलिकेसी में, या जो इसका हल्कापन है उसमें आलू बुखारे से भी ज़्यादा है। हालांकि आलू बुखारा एक बहुत अच्छा फल है और सफरा के लिए बड़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है, लेकिन अगर हम दवा के तौर पर कंपेयर करें तो इमली उससे भी ज़्यादा बेहतरीन शेय है। इमली को सफरावी बुखारों में भी इस्तेमाल किया जाता है। आजकल गर्मी के दिन है, गर्मियों में सफरा की वजह से बहुत बुखार होता है और ऐसी हालत में ठंडे पानी के साथ 30 ml सुबह शाम पिलाया जाए या जब ज़रूरत हो तब पिलाया जाए तो बड़ा सुकून मिलता है और बुखार कम हो जाता है। बाकी दवाओं के साथ इस्तेमाल करिए इसको। तो आइए पहले एक बार देखते हैं हम शरबत बनाने की तरकीब और उसके बाद थोड़ी बात और करेंगे। लेडी व्यूअर्स, देखिए तमरहिंदी यानी इमली, इमली के बीज निकले हुए विदाउट सीड्स। और व्यूअर्स, अब हमने इमली को छोटे छोटे टुकड़े कर लिया है पानी में भिगोने से पहले। अब देखिए व्यूअर्स, हमने इसका जूस निकालने के बाद शुगर डाली है इसमें 15 kg। आप देख सकते हैं ये आमतौर से ये 15 kg की जगह 20 kg होनी चाहिए, क्योंकि 1 kg में 4 kg शुगर डालते हैं आमतौर से लोग। हम 4 kg से भी कम डालते हैं, क्योंकि हमने इमली 5 kg ली है और उसमें हमने 15 kg डाली। इसको शक्कर डालने के बाद जब तक कि ये घुल नहीं जाए चलाते रहना चाहिए, वरना ये नीचे तले से लग जाती है और जल जाती है। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा शरबत इमली बनाने की तरकीब। शरबत इमली बनाते वक्त खास तौर से ये ख्याल रखा जाए कि इसको बहुत ज़्यादा नहीं मसला जाए, बस हल्का थोड़ा बहुत पानी, 6 से 8 गुना पानी डाल दें और उसके बाद इसको हल्का हल्का मसल करके रख के छोड़ दें 24 आवर्स के लिए, और उसके बाद इसका जो साफ पानी है वो निथार कर ले लें, जिसको यूनानी टर्मिनोलॉजी में आबे जुलाल कहते हैं, उस वो लेकर के और शक्कर डाल करके शरबत बना लें। हालांकि हमसे इसका आखिरी शरबत बनाने वाला वीडियो मिस हो गया, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोस जो शरबत बनाने की तरकीब के हैं वो देख सकते हैं, तरकीब सेम ही रहती है।
शरबत तमर हिंदी को इस्तेमाल करते वक्त खास एहतियात करने की यह जरूरत है कि जिन लोगों का आवाज का काम है या जिनकी आवाज में कोई प्रॉब्लम है वो इसको इस्तेमाल नहीं करें, यह आवाज को बिगाड़ती है। जिन लोगों को नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है या ऐसे कोई चांसेस हैं नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होने के, जिनका बलगमी मिजाज है, ठंडा मिजाज है, वो इसको इस्तेमाल ना करें या एहतियात से इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये फेफड़ों को भी नुकसान देती है, इसीलिए फेफड़ों की बीमारी वाले लोग इसको इस्तेमाल ना करें, इससे बचें, या फिर बहुत ही एहतियात के साथ या इसकी मसले के साथ इस्तेमाल करें। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, ये था शरबत तमर हिंदी के बारे में। आजकल गर्मी का मौसम है, बुखारों में इसको खास तौर से साथ में इस्तेमाल करिए। बाकी जो भी दवाएं आप देते हैं दीजिए, इसके साथ इसको भी ऐड कर दीजिए, फिर आप देखेंगे रिजल्ट्स का डिफरेंस, जो जल्दी से रिजल्ट मिलता है और जो पेशेंट को जो रिलीफ मिलता है, सुकून मिलता है, वो देखिएगा आप। फिलहाल इतना ही, अल्लाह हाफिज़।